दोस्तों, दिल्ली के प्रगति मैदान में मंगलवार से 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेले का आगाज हो चुका है। इस बार 1,20,000 वर्ग एरिया में लगने वाले ट्रेड फेयर में 13 देश और 25 राज्य व 3100 से अधिक प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। चौदह से 18 नवंबर तक व्यापारियों के लिए प्रवेश है, जबकि 19 से 27 नवंबर तक सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक आम दर्शक मेले का आनंद ले सकेंगे। प्रवेश गेट नंबर 6 व 10 से होगा। दर्शक अपना वाहन भैरव मार्ग के पार्किंग में खड़ा कर सकते हैं, जो कि एक पेड पार्किंग होगी। बिजनेस डे यानी 14 से 18 नवंबर तक के दिन एक अडल्ट के लिए टिकट की कीमत ₹500 और बच्चे के लिए ₹150 होगी, जबकि सामान्य दिन यानी 19 नवंबर से 27 नवंबर तक एक अडल्ट की टिकट ₹80 और बच्चों के लिए ₹40 खर्च करने होंगे, और वहीं वीकेंड या छुट्टी के दिन अडल्ट की टिकट ₹150 और बच्चे की टिकट ₹60 में मिलेगी। ट्रेड फेयर के लिए 55 मेट्रो स्टेशन से टिकट खरीदे जा सकते हैं। हालांकि प्रगति मैदान के किसी भी गेट व सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर मेले का टिकट नहीं मिलेगा। अगर आपको ऑनलाइन अपने लिए टिकट बुक करानी हो तो आप पेटीएम पे जाके अपने लिए ऑनलाइन टिकट परचेज कर सकते हैं। आप दिल्ली के ट्रेड फेयर में हॉल नंबर 1 से लेकर हॉल नंबर 14 तक अलग अलग चीज़ों की प्रदर्शनी का मजा ले सकते हैं। अगर मैं हॉल नंबर 1 की बात करूं, तो इसमें फोकस राज्य दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी। सहयोगी राज्य और विभाग बिहार, उत्तर प्रदेश, कोल इंडिया और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी। हॉल नंबर 3 की बात की जाए तो यहाँ पर खादी और ग्राम उद्योग आयोग की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हॉल नंबर 6 की बात करूं तो इसमें हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम राज्यों के कॉरपोरेशन आदि चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हॉल नंबर 7 में सरस मेला और फूड एंड बेवरेज आदि चीज़ें देखने को मिलेंगी। हॉल नंबर 8 और 10 की बात करूं तो यहाँ पे फूड एवं बेवरेज से जुड़े हुए उत्पाद आपको देखने को मिलेंगे। हॉल नंबर 11 में इलेक्ट्रिकल, जूते, टेक्सटाइल से रिलेटेड घर और रसोई में इस्तेमाल होने वाले उत्पाद आदि चीज़ें आपको हॉल नंबर 11 में देखने को मिलेंगी। हॉल नंबर 12 में आपको ज्वेलरी और घरेलू उत्पाद देखने को मिलेंगे। और अगर मैं हॉल नंबर 14 की बात करूं तो इसमें पावर मंत्रालय, सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय तथा अन्य उत्पाद आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आप मेले में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के खान पान का भी लुत्फ उठा सकते हैं, और इसी के साथ यहाँ पर आप सांस्कृतिक प्रोग्रामों का भी आनंद ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी दिल्ली में प्रगति मैदान में चल रहे ट्रेड फेयर 2023 की जानकारी। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई चीज़ पूछनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।